बेगूसराय जिला जनता दल यू देश के संविधान एवं जाति आधारित गणना के विरोधी है, वहीं केंद्र की भाजपा सरकार इसलिए जाति आधारित गणना को रुकवाने की कोशिश की। जिला जनता दल यू बेगूसराय ने मशाल जुलूस एवं कैंडल मार्च निकालकर भाजपा सरकार की साजिश का किया पोल खोल अभियान। जिला जनता दल यू अध्यक्ष रुदल राय ने केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा रची गई साजिश आरक्षण एवं जाति आधारित गणना रुकवाने के खिलाफ शहर के ट्रैफिक चौक से मशाल जुलूस एवं कैंडल मार्च निकालकर नारा लगाते हुए कहा कि आरक्षण विरोधी भाजपा मुर्दाबाद, जाति आधारित गणना विरोधी भाजपा होश में आओ, भाजपा भगाओ, संविधान बचाओ, मोदी सरकार हाय हाय नारों के साथ जुलूस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर पहुंचकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कैंडल जलाकर केंद्र सरकार की साजिश के खिलाफ सभा की गई है। सभा का संचालन जदयू जिला प्रवक्ता अरुण महतो ने किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जदयू जिला अध्यक्ष रुदल राय ने कहा केंद्र की भाजपा सरकार जाति आधारित गणना रुकवाने की कोशिश की, वही केंद्र सरकार पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब स्वर्ण, कमजोर वर्ग के साथ साथ संविधान विरोधी है। वह केवल जाति आधारित जनगणना ही नहीं, गणना का भी विरोधी है। भाजपा की अनुसांगिक संस्था यूथ फॉर इक्वालिटी, जो आरक्षण विरोधी संस्था है, उसकी मदद से जाति आधारित गणना रुकवाने की कोशिश की। इसी संस्था से जुड़े प्रोफेसर संगीता रागी और प्रोफेसर माखनलाल के भाजपा और आरएसएस से गहरे संबंध है। अगर भाजपा जाति आधारित गणना के पक्षधर है तो उसने सुप्रीम कोर्ट में पहले हलफनामा दाखिल कर ये तर्क दिया कि जनगणना कराने का राज्यों को कोई अधिकार नहीं है। फिर बाद में दूसरा हलफनामा उसने राज्यों में जाति आधारित सर्वे कराने को लेकर अनापत्ति जाहिर की। इस तरह हलफनामा दाखिल करने के पीछे भाजपा की मानसिकता क्या है? वही जनता दल यू के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछना चाहती हैं कि जैसे वे कपड़े बदलते हैं उसी तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में दो बार बदलाव क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोर्ट को नोटिस केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल का पेश होना ये साबित करता है कि भाजपा जाति आधारित गणना में पेंच लगाना चाहती है। देश की मोदी सरकार यह खुलासा करे कि यूथ फॉर इक्वालिटी संस्था ने 27% ओबीसी आरक्षण का विरोध किया, अगली जातियों के लिए 10% आरक्षण का विरोध किया, इस संस्था का भाजपा से क्या संबंध है? जब पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जातीय सर्वे कराने का अधिकार राज्य सरकार को है, तो ऐसे में क्या भाजपा अपनी सहयोगी संगठन की अप्रोक्ष मदद से सुप्रीम कोर्ट में जाति आधारित गणना रुकवाने की कोशिश नहीं कर रही है? वही भाजपा ये बतावे मंदिरों में लाउडस्पीकर की गणना, मस्जिदों की गणना, शमशान घाट और कब्रिस्तान की गणना करा सकती है, लेकिन जाति आधारित गणना कराने से पीछे भागती है। क्या ये सच नहीं है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, कमजोर वर्ग के विरोधी है भाजपा? जगजीवन राम नाम के आगे बाबू लगे शब्द से चिढ़े हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि भाजपा इन वर्गों के लिए चलाए गए योजना छात्रवृत्ति योजना बैन कर दिया? देश की मोदी सरकार में सम्राट अशोक को भाषाई तौर पर अपमानित करने वाले दया सिन्हा को अमित शाह ने पद्मश्री का पुरस्कार दिया, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने दया सिन्हा से पद्मश्री वापस नहीं लेकर सम्राट अशोक का अपमान कर रहे हैं। देश में 10 वर्षीय जनगणना होती है, लेकिन मोदी सरकार ने जनगणना नहीं कराकर देश में संवैधानिक खतरा उत्पन्न करना चाह रही है। प्रमंडलीय प्रभारी मुकेश विद्यार्थी ने कहा कि मोदी सरकार ने वादा किया था कि देश के नौजवानों को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन 9 वर्षों में 18 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन नौकरी मिला सिर्फ लगभग 7 लाख लोगों को। महंगाई चरम सीमा पर है, देश की संपत्ति अपने निजी मित्रों के हाथों में सौंपकर देश की जनता को गुलामी की ओर धकेल रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इनकी सरकार में जो भी भ्रष्टाचारी शामिल होते हैं वह पवित्र हो जाते हैं। अजीत पवार जैसे सहकारिता एवं कोऑपरेटिव संस्था के 70,000 करोड़ रुपए घोटालेबाज को मोदी सरकार ने उप मुख्यमंत्री पद से नवाजा है। देश की जनता ये सवाल पूछती है मोदी सरकार से, क्या अजित पवार आपकी पार्टी में आने से पवित्र हो गया? आज जो पूरे देश में आबादी की सरकार है, उस सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकना है, और आज इसका शंखनाद हमारे राज्य अध्यक्ष के संकल्प पर हम लोगों ने आज दीप जला के और मशाल जला के इसका शुरुआत किया है। जो देश में जुमलेबाजों की सरकार चल रही है उसको 2024 में उखाड़ कर भगाना है, और इंडिया को सरकार बनाना है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश को चलाना है। जनता पार्टी के विरोध में जनता दल ने माध्यम से हम लोगों ने मशाल जुलूस निकालने का काम किया।
जब बीजेपी का पोल खोल अभियान हम लोग पीछे से करने का 18% में करेंगे और 15 से 20 तक जनता दल यू के एक एक कार्यकर्ता, चाहे प्राथमिक सदस्य हो, क्रियाशील सदस्य हो, प्रदेश का नेता हो, तमाम लोग पीछे से अपने घर के ऊपर काला झंडा लगाने का काम करेंगे। और इसी के कड़ी में हम ये बता रहे हैं कि जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, वह अति पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। ये जातीय गणना इसलिए नहीं कराना चाहती है कि समाज के जो अंतिम कतार के लोग हों, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर उच्च समाज के लोग हों, उनको पीछे से राजनीतिक, सामाजिक और डेवलपमेंट विकास का बात नहीं हो। और इसी के करीब में ये कार्यक्रम एनडीए के खिलाफ इंडिया कितना तैयार है? इंडिया गठबंधन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री का होश हवास खत्म हो गया है और आने वाला समय में बिहार में इंडिया गठबंधन 40 में 40 सीट जीतेगा ही, साथ ही साथ हम लोग देश में भारतीय जनता पार्टी को जो बैठी सरकार है, जो दलित विरोधी है, अत्यंत विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, वैसे लोगों को भगाने का काम करेंगे। इंडिया की तरफ से कौन का चेहरा कौन होंगे? पहला मेरा काम है इंडिया गठबंधन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को भगा देंगे। बाद में हम लोग को नेतृत्व जो है इंडिया गठबंधन के तय कर लेगा। इंडिया तो पहले से तैयार है, इंडिया को तैयार होने की क्या जरूरत है? इंडिया के साथ 85% वोटर है और 85% वोटर इंडिया के साथ है, तैयार होने का क्या बात है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। इसमें जितने भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक जो भी है, सबके विकास के लिए वो सोचते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने जातीय गणना कराने का काम किया और जिस समय गणना कराने का निर्णय लिया उस समय भाजपा भी साथ में थी, लेकिन अभी जब अलग हो गई तो उन्होंने नगर निगम का चुनाव रुकवा दिया, पंचायत में चुनाव रुकवा दिया, जातीय गणना जो हो रहा था उसको रुकवा दिया। ये सब तो साजिश है। ये चाहती है भाजपा कि गरीबों को, वंचितों को, पिछड़ा अति पिछड़ा को उचित सम्मान नहीं मिले, उसका जो जितना भागीदारी है उतना हिस्सेदारी नहीं, जितना हिस्सेदारी है उतना भागीदारी नहीं मिले, भाजपा चाहती है। उसी के लिए हम लोग अल्लाह बोल बोल भाजपा का आज हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था, उसमें हम लोगों ने पब्लिक को बताया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो करना चाहते हैं उसको वो करने नहीं देते हैं और जो पीछे से चल रहा है योजना उसका भी पैसा में कटौती करते हैं। बच्चे का छात्रवृत्ति रोका गया, इंदिरा आवास रोका गया, सारा चीज केंद्र सरकार के द्वारा रोका जा रहा है और बिहार सरकार को काम करने दिया नहीं जा रहा है। यही सब बताने के लिए आज बीजेपी का हल्ला बोल पोल खोल का कार्यक्रम ये चलाया गया। सर, इंडिया का मतलब प्रधानमंत्री पद के दावेदार कौन होंगे, चेहरा कौन होंगे, किनके नाम पे वोट मांगेंगे आप लोग? देखिए, ये तो सब पार्टी मिलकर डिसीजन देगी। जो भी है माननीय प्रधानमंत्री जो भी बनेंगे वो सब जितने भी पार्टी हैं, 28 दल के लोग हैं, वो सब लोग का 3 बैठक हो चुका है और अगला जब बैठक होगा तो उसमें अपने आप 1-2 बैठक में निर्णय हो जाएगा कौन उसका चेहरा होगा। चुनाव के बाद जो भी पीएम पद के दावेदारी होंगे, ठीक है, उसके बाद क्या इंडिया बना रहेगा या टूटेगा? एकदम बना रहेगा। इसमें इस तरह से काम हो रहा है कि उसको टूटने का कोई सवाल ही नहीं है। हर एक स्टेट में अलग अलग आदमी को रखा गया है, चुना गया है, किस तरह के सीट शेयरिंग का काम होगा, सब काम पे आदमी को लगाया गया है, इसलिए सारा काम ठोस तरीके से हो रहा है और कहीं से इंडिया टूटने लायक नहीं है। इंडिया मजबूती से 5-10 साल राज करेगी। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम नंदलाल राय है, मैं जिला परिषद से उपाध्यक्ष हूँ और जेडीयू के पिछड़ा प्रकोष्ठ के महासचिव, प्रदेश महासचिव। हम नागरिक से अपील करना चाहूँगा, ये भाजपा आरक्षण विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी, दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंडिया मजबूती से 2024 में सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी को 2024 में देश से खदेड़ देगी। मेरा नाम मनोहर महतो है, जिला महासचिव बेगूसराय। इंडिया एनडीए से लड़ने के लिए कितना तैयार है? बिल्कुल तैयार है। 2024 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन
भारी बहुमत आएगी और नरेंद्र मोदी को इस देश से विदागरी तय है। एक को हराने के लिए इतना का गठबंधन और इंडिया का बनना क्या लगता है? बिल्कुल इंडिया मजबूती के साथ है और ये जो आरक्षण विरोधी है, नौजवान विरोधी है, युवा विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी, इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देना।